विनंती असणार आहे रॉयल स्ट्रायकर टीम, आपला एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्या कॉम बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. पहिला चेंडू रिलीज होण्याच्या आधी तुमचा एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्या कॉम बॉक्समध्ये या पाठवा, हे नम्रतेची विनंती. दिवीच्या 11चा मात्र एक्स्ट्रा प्लेयर मात्र आम्ही स्वतः आहोत, त्यामुळे तर मॅचला सुरुवात होते. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. गणेश कारंडे आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला अजिंक्य लाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. अगदी चार षटकांचा सामना, आजच्या दिवसातील प्रत्येक सामना आपल्याला चार षटकांचा रंगताना पाहायला मिळेल, कारण की अंतिमचा दिवस आहे. अंतिमच्या दिवसामध्ये मात्र आपल्याला दोन एक्स्ट्रा सामने देखील खेळवायचे आहेत. तर पंचाचा हिरवा सिग्नल, अर्थातच गेम इज ऑन. सलामीची जोडी गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळते, तो म्हणजे चंद्रा पहिलाच बॉल ड्राईव्ह केलाय डीप मिडॉनच्या दरम्यान, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. डॉट बॉलने मात्र नक्की सुरुवात झाली. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजी मार्कवरती जर आपण पाहिलं तर चंद्रा अगदी रॉयल स्ट्रायकर एंडकडून मात्र आपलं नेतृत्व करत असताना, हे संपूर्ण खेळाडू मात्र याच क्रीडांगणावरती मात्र सराव करत असतात, परंतु आज एकमेकांच्या विरोधात मात्र आपल्याला खेळ आपला साकारताना पाहायला मिळेल. यावेळेस थोडीशी फ्लम्बलिंग झाली, त्याचा मात्र फायदा घेत असताना अगदी दोन धावा सहजरित्या कंप्लीट केल्या. दोन या धावसंख्येने मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली, ती म्हणजे अर्थात दोन या आकड्यावरती टीमचं अकाउंट ओपन झाले. अगदीच दिवीच्या 11 संघ अगदीच उल्लेख जरूर करू, कारण की नवी मुंबईमध्ये अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये मात्र दिवीच्या 11 हे नाव चर्चेचा भाग राहिलं आहे, परंतु आज मात्र आपल्या घरच्या मैदानावरती मात्र परफॉर्मन्स दाखवावा लागेल. यावेळेस सरळ बॅटने डाऊन दी ग्राउंड बॉल चालला आहे, वन बाउन्स टू बाउन्स घे, थोडंसं आउटफील्डमध्ये अडथळा आहे, परंतु लॉंग ऑफच्या दरम्यान मात्र हा येणारा चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. अगदी शांततेचं वातावरण, सिंगल डबलने जसं मात्र सुरुवात जरूर केली टीम दिवीच्या 11 या संघाच्या माध्यमातून सुरुवात झाली, म्हणजे मोक्याच्या क्षणी मोठमोठे फटके देखील आपल्याला येत असताना पाहायला मिळेल. सलग तीन दिवसीय स्पर्धा तुमच्यासमोर रंगते. अगदी जर आपण पाहिले तर या स्पर्धेचे मात्र प्रमुख शिल्पकार प्रमुख प्रणेते जर आपण पाहिले तर डॉक्टर धनोजी गपाट साहेबांचं मात्र खूप खूप आभार व्यक्त करावे लागतील, कारण की त्यांनी मात्र ही संकल्पना अंमलात आणली आणि आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ मात्र ही स्पर्धा आयोजित केली. आणि या स्पर्धेचा अंतिमचा आणि शेवटचा दिवस मात्र तुमच्यासमोर रंगताना देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस लाईन मिस केली आहे, बॉल चालला आहे, अगदीच पंचांचा इशारा येईपर्यंत म्हणजे अर्थातच वाईट प्लस वन, म्हणजे अशा दोन धावा टीमच्या स्कोरबोर्डमध्ये ॲड होतील, म्हणजे एक्स्ट्रा धाव देखील ॲड होतील. आणि सिंगल डबलने आपलं धावतं स्कोरबोर्ड हे नक्कीच दिवीच्या 11च्या माध्यमातून आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. दिवीच्या 11 असा संघ आहे ज्या संघाकडे मात्र कॅपॅसिटी देखील आहे, कुठल्याही क्षणी ठाम सामना मात्र टर्न देखील करू शकतात आणि फायटिंग स्कोर उभारण्याचा प्रयत्न मात्र पहिल्या इनिंगमासून मात्र नक्कीच आहे. आणि पहिल्या इनिंगमध्ये मात्र बॅटिंग करणारी टीम जर आपण पाहिले तर दिवीच्या 11, त्यामधील सलामीची जोडी एका बाजूला जर आपण पाहिले तर मिस्टर सेन्सिएबल गणेश कारंडे ज्याच्या बॅटमधनं मात्र नक्कीच मोठमोठे फटके येत असताना पाहायला मिळतील या मैदानावरती. परंतु यावेळेस मात्र अगदी फिल्डिंगमध्ये थोडीशी अडथळा निर्माण झाला, त्याचाच फायदा उचलला आणि दोन धावा कंप्लीट केल्या, टीमची धावसंख्या जाऊन पोचल्या, ते म्हणजे चार चेंडू अखेरीस 10 या आकड्यावरती. 10 धावा अगदी सकाळचं सत्र, अगदी सकाळच्या 17 मात्र रंगत असलेली स्पर्धा. या स्पर्धेचा अंतिमचा आणि शेवटचा दिवस, शेवटच्या दिवशी मात्र अनेक प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि खास करून आजच्या अंतिमच्या दिवसामध्ये संतोष म्हात्रे सँडी सरांचा आवाज देखील आपल्याला धुमधुमताना पाहायला मिळेल. परंतु यावेळेस मात्र आवाज कुणाचा आला आहे, अर्थातच गणेश सुरेश कारंडेच्या बॅटमधनं आलेला हा दमदार पॉवरफुल षटकार आला आहे. आणि षटकाराने मात्र टीमची धावसंख्या थेट जाऊन पोचली, ते म्हणजे 16 या आकड्यावरती. अजूनही शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. पारपेचा पहिल्या षटकामध्ये प्रदीप सर मात्र जास्तीत जास्त धावसंख्या घेण्याचा प्रयत्न असतो, तो प्रयत्न आणि ती मनस्थिती आपण गणेश कारंडेला जरूर पाहू शकतो. एक चांगला व्यावसायिक क्रिकेटर आहे आणि व्यावसायिक खेळाडू आहे, त्यामुळे चांगलं ठाऊक आहे कशा पद्धतीने खेळ साकारायचा. ही शेवटच्या चेंडूवरती येणारी डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक सिंगल आणि षटकाची देखील समाप्ती होते. एक षटका अखेरीस टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली बिनबाद आत्तापर्यंत 17 या आकड्यावरती. अजूनही 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, पहिली इनिंग तुमच्यासमोर मात्र रंगत असताना पाहायला मिळते. अगदीच या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिले तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 50,000 रुपये व रोख रक्कम आकर्षक चषक, आणि त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक जर आपण पाहिले तर तब्बल 25,000 रुपये रोख रक्कम व आकर्षक चषक, आणि त्याचप्रमाणे तृतीय पारितोषिक जर आपण पाहिलं तर 15,000 रुपये
रोख रक्कम व आकर्षक चषक आणि त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये अगदीच हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजे मेडिक्लेमसाठी 5 लाख रुपयांचं मात्र हेल्थ इन्शुरन्स असणार आहे आणि एक चांगली संकल्पना आहे म्हणजे एक खेळाडूंना मात्र एक चांगली बाब आहे आणि खेळाडूंना मात्र चांगली संधी मिळावी आणि अर्थातच संधीचं मात्र ते कशा पद्धतीने संधीचं सोनं करतील ते देखील आपल्याला पाहावं लागेल आणि त्याचप्रमाणे S3PL चे अगदी धुवाधार बॅट्समन शैलेश शेलार त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत त्यांना देखील आपण करूया वेलकम. ते देखील सलग 3 दिवस आमच्या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आले तर त्यांचे देखील खूप खूप आभार असतील या स्पर्धेच्या वतीने. गोलंदाजे मार्कवरती सचिन आपल्याला पाहायला मिळतील. स्वतः टीमचा कॅप्टन आहे आणि त्याने मात्र संपूर्ण जबाबदारी संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी मात्र आपल्या खांद्यावरती घेतले. तोच सचिन आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्राईक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती आणि स्ट्राईकर एंडला ज्युनियर बाहुबली अगदीच अजिंक्य लाडू अगदी लाडाने मात्र लाडू या नावाने मात्र नक्कीच त्याचं कौतुक केलं जातं. परंतु आज मात्र टीम डिव्हिजन 11 या संघाचा मात्र महत्त्वाचा भाग राहिला आहे कारण की सर्वात कमी मात्र नक्कीच अजिंक्य लाडूला मात्र स्ट्राईकला येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु आज मात्र गणेश कारंडेसोबत स्ट्रायकर एंडला आला आहे बॅटिंग करण्यासाठी. यावेळेस मात्र बॅकफिल्डला जाऊन कव पॉईंट म्हणजे मात्र फक्त दिशा दिली बॉल चालला डिक्लेअर झोनमध्ये 1 या धावसंख्येने मात्र टीमचं अकाउंट मात्र पुढे सरसावलं. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली ती म्हणजे तब्बल 20 या आकड्यावरती. अगदी 20 धावा. प्रदीप सर पहिला दिवस अक्षरशः गाजवला. टीम जयबालाजी राबाडे या संघाने टेबल टॉप करून पहिल्या दिवशी मात्र अंतिमच्या दिवसामध्ये मात्र दाखल होणारा संघ. परंतु यावेळेस जर आपण पाहिलं तर भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर स्टाईलमध्ये मात्र आलाय हा दमदार पॉवरफुल हिट गणेश कारंडेच्या बॅटमधनं. हा येतोय षटकार. अगदीच गणेश कारंडेचा मात्र उल्लेख करावा तितका कमी असेल कारण की अगदी व्यवसाय क्रिकेटचा मात्र चांगला अनुभव आहे आणि अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये मात्र आपल्या नावाची ओळख देखील त्याने निर्माण केली. परंतु आज जर आपण पाहिलं तर आपल्या घरच्या मैदानावरती आणि घरच्या मैदानावरती खेळत असताना घरच्या मैदानाचा चांगला अभ्यास देखील आहे. कशा पद्धतीने बॅटिंग करायचे कशा पद्धतीने मात्र कुठल्या दिशेने चेंडू मात्र ट्रोल अगदी सामना रंगतदार होतो. परंतु सामन्याचं चित्र इथून पुढे मात्र बदलेल कारण की प्रदीप सर आपण पाहिलं तर ज्या ज्यावेळेस क्रिकेटमध्ये कॅचेस सुटतात त्या त्यावेळेस फलंदाजाचा कॉन्फिडन्स हा मात्र नावत असतो आणि त्यानंतर मात्र तो फलंदाज आपले रंग उधळायला सुरुवात करतो आणि मोठमोठे फटके मात्र नक्कीच खेळण्याची मात्र मनस्थिती त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते कॅच सुटल्यानं. परंतु आता कॅच सुटली आहे ती म्हणजे गणेश कारंडेची. त्यानंतर काय बॅटिंग होईल ते आपल्याला पाहावं लागेल. अजिंक्य लाडू यावेळेस सेन्सिबल क्रिकेट सन्मान दिला आहे. फॉलो थ्रूमध्ये मात्र नक्कीच अगदी डेंजर झोनमध्ये मात्र एक धाव अगदी यशस्वीरित्या कंप्लीट झाली. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली ते म्हणजे 2 षटका अखेरीस आत्तापर्यंत 28 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 28 धावा म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर तब्बल 17 धावा आल्या आणि एक एक्स्ट्रा धाव देखील ॲड झाले आणि दुसऱ्या षटकामध्ये जर देखील आपण जर पाहिलं तर 11 धावा आल्या. म्हणजे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न जरूर केला सचिनने परंतु नक्कीच त्याने देखील एक्स्ट्रा धाव एक खर्च केली म्हणजे टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली ती म्हणजे 28 या आकड्यावरती 28 धावा. क्रिक लाईव्हची संपूर्ण टेक्निकल टीम आपल्याला पाहायला मिळते त्यांचे देखील खूप खूप आभार असतील. प्रत्येक क्षणचित्र मात्र टिपत असताना आपण त्यांना जरूर पाहू शकतो. अगदीच त्यांची टेक्निकल टीम आमच्यासोबत मात्र सज्ज आहे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि आम्हाला मात्र पडद्यावरती दाखवण्याचं काम देखील करतात. यावेळेस मात्र शॉर्ट टर्म पूल इज अ पॉवरफुल ब्युटिफुल सक्सेसफुल ठरत असताना स्फ्रेलेगला मात्र येतोय हा दमदार 6 अर्थात अजिंक्यने मात्र लगावलेला फटका. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली ती म्हणजे तब्बल 34 या आकड्यावरती. अगदी ज्युनियर बाहुबली आपण नक्कीच त्याला ओळखलं जाऊ अर्थातच अगदी लाडाने मात्र लाडू या नावाने मात्र नक्कीच त्याची चर्चा होत असते. परंतु आज जर आपण पाहिलं तर दिविशा 11 या संघाचा महत्त्वाचा भाग देखील राहिला आहे आणि असा मात्र खेळाडू तोच मात्र स्ट्रायकर एंडला गणेश कारंडेसारख्या व्यावसायिक क्रिकेटरसोबत जाऊन मात्र धुवाधार बॅटिंग परफॉर्मन्स दाखवत असताना आपण पाहू शकतो. एक षटकार आला आहे आणि षटकारानंतर मात्र टीमच्या धावफलकात बदल देखील झाली आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे ती म्हणजे 35 या आकड्यावरती. यावेळेस आपण पाहिलं तर
अगदीच शॉर्ट स्क्वेअरला होते मिसफील्ड, त्यावेळेस मात्र एक सिंगल कंप्लीट होईल. अगदी मनस्थिती होती अजिंक्य लाडूची मोठा फटका सजवण्यासाठी. एन एम पी एलचं सत्र देखील अक्षरशः त्याने गाजवलं होतं सीझन नंबर 4 मध्ये. कृष्णा सातपुते सरांच्या मात्र नक्कीच जर आपण पाहिलं तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या टीममध्ये मात्र नक्कीच अजिंक्य लाडू आपण खेळताना पाहायला मिळाला. तर नेक्स्ट मॅचला देखील आपण इन्व्हाइट करणार आहोत प्रियदर्शिनी बेलापूर आणि उत्कर्ष दिवा दोन्ही संघाचे कर्णधार. जर आपण उपस्थित असाल तर इनिंग ब्रेक्समध्ये आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे, ही नम्रतेची विनंती. यावेळेस आपण पाहिलं तर थोडीशी फ्लम्बलिंग होते परंतु पंच काही इशारा दर्शवतील, अर्थातच सर त्या इशाऱ्याचा मात्र आपल्याला वाट देखील पाहावी लागेल. म्हणजे 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. येस, 2 धावसंख्येने मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली, ती म्हणजे 38 या आकडे होती. पहिल्या 2 षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर तब्बल 28 धावा होत्या, परंतु तिसऱ्या षटकात जसं मार्गस्थ लागलं तसा मात्र धावांचा पाऊस देखील पडायला सुरुवात होते. परंतु रॉयल स्ट्रायकर टीम देखील अगदीच तगडी आहे, परंतु यावेळेस मात्र घुटणार ते और तमाशा दे गणेश कारंडके बॅट से अर्थातच आलाय हा दमदार पुन्हा एकदा पॉवरफुल षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. अगदी गणेश कारंडे त्याच मनस्थितीमध्ये मात्र बॅटिंग करत असताना अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण त्याला पाहू शकतो, परंतु आज जर आपण पाहिलं तर गणेश कारंडे या नावाची चर्चा कशासाठी केली जाते ना, त्याचा असलेला फॉर्म, त्याचा असलेला दर्जा आणि त्याचं असलेलं टीमसाठी कॉन्ट्रीब्युशन आणि त्याचा असलेला खेळ हा मात्र सगळं काही सांगून जातो. हा अगदी क्लासिकल फटका आपण स्क्रीनवरती जरूर पाहू शकता. ज्या प्रकारे त्याने सजवला ना तो नक्कीच अगदीच मात्र चेंडू खोलवर पद्धतीचा होता. त्याला फुल टॉस घेतली आणि फुल टॉस घेतल्यानंतर मागचा पाय वाकवला आणि वाकवल्यानंतर मात्र स्क्वेअर लेगला हा येणारा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. अगदी फुल टॉस घेण्याचा प्रयत्न देखील त्याचा यशस्वी ठरला. त्या यशस्वी प्रयत्नात आणि त्याने 6 धाव्या देखील ॲड केल्या, त्या म्हणजे टीमच्या स्कोअर कार्डमध्ये टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली, ती म्हणजे 44 आकडे होती. म्हणजे शेवटचा अजूनही एक चेंडू शिल्लक गोलंदाजी मार्कवरती दीपक लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र सरळ बॅटने फटका खेचायचा प्रयत्न होता. बॅटची थिकेस लागते, बॉल चालला आहे अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, म्हणजे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दैनात होते. एक सिंगल कंप्लीट होईल आणि षटकाची देखील समाप्ती होते. 3 षटकाअखेरीस टीमची धावसंख्या जाऊन पोचले बिनबाद 45 या आकड्यावरती. 45 ऑन स्कोरबोर्ड, गडी अजूनही एकही बाद झालेला नाही आहे. अगदीच 45 धावा मात्र अगदीच खोऱ्याने खोदून काढण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. 45 धावा. यावेळेस आपण पाहिलं तर 2 षटकांना भेदून हा चेंडू रिलीज केला, एक धाव कंप्लीट झाली अगदीशय सहजरित्या कव पॉइंटला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दैनात होते. एक सिंगल कंप्लीट झाली, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली, ती म्हणजे 46 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र अगदी फटका सजवलाय तो म्हणजे मिड विकेटला क्रॉस करणारा हा येतोय अगदी अजिंक्यच्या बॅटमधनं. हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली, ती म्हणजे 52. या धावसंख्येवरती आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते. यावेळेस आपण पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर मात्र स्वेअर मारा करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न देखील यशस्वी राहिला. अर्थातच गोलंदाजी मार्गवरती जर आपण पाहिलं तर चंद्रू आपल्याला पाहायला मिळेल. अगदीच घरच्या मैदानावरती मात्र चांगला सराव असतो प्रदीप सर यांचा, कारण की दोन्ही संघ मात्र घरच्या मैदानावरती मात्र सराव करत असतात. परंतु खेळपट्टी जरी वेगवेगळी असली, वेगवेगळ्या खेळपट्टीवरती ते सराव जरूर करतात, परंतु एक आज मात्र एकमेकांच्या विरोधात मात्र आपला खेळ साकारताना जरूर आपण त्यांना पाहू शकतो. दिवी शैलोन या संघाचं जरूर कौतुक करेल, कारण की त्यांनी जसं इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं की आम्ही रॉयल स्ट्रायकर या संघाच्या अगेन्स्ट एक सामना नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये जरूर हारलो आहे, परंतु यावेळेस जर आपण पाहिलं तर विकेटचं पतन अर्थातच अजिंक्य लाडू तो मात्र नक्कीच परतत असताना गडी बाद झाला आहे टीम दिविशा 11 पहिला. म्हणजे एक गडी बाद टीमची धावसंख्या जवळजवळ 52 या आकड्यावरती.
म्हणजेच जसं दिवी शैलन या संघाचे कॅप्टनने आम्हाला सांगितलं की रॉयल स्ट्रायकर हा संघ देखील खूप चांगला आहे आणि त्यांच्याकडे देखील क्षमता देखील असते आणि ते देखील आपला परफॉर्मन्स दाखवत असताना आपण त्यांना पाहू शकतो अनेक टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये. परंतु आज घरच्या मैदानावरती आम्ही देखील त्यांना थांबवण्याचा आणि त्यांच्यासोबत खेळण्याचा देखील प्रयत्न करू आणि तोच प्रयत्न मात्र राहिला आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना तब्बल 52 धावा आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही शेवटच्या षटकातील जवळजवळ 2 चेंडू शिल्लक असतील. यावेळेस आपण पाहिलं तर स्विंगीने मेस अर्थातच बाईच्या स्वरूपात एक धाव आली आहे म्हणजे टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली ती म्हणजे 53-53 या आकड्यावरती. अगदीच पहिल्या षटकामध्ये सिंगल डबलने जशी सुरुवात झाली जसं मात्र मध्यवर्ती भूमिकेत मोठमोठे फटके देखील आले. गणेश कारंडेने देखील एक षटकार ठोकले, 2 षटकार ठोकले. अजिंक्य लाडूने देखील 2 षटकार आणि गणेश कारंडेने 3 षटकार ठोकले म्हणजे त्याची चांगली मनस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली. गोलंदाजी मार्कवरती चंद्रू आणि यावेळेस बाबू कांबळे तो मात्र सेट होतोय, थेट पाठवतोय चेंडूला सीमारेषा पलीकडे. लॉंग ऑफला येणारा हा शेवटच्या चेंडूवरती एक पॉवरफुल हिट आणि षटकाचे देखील समाप्ती होते. पहिल्या डावाचा खेळ या ठिकाणी मात्र संपलाय. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली ती म्हणजे 59. येणारे चेंडू असतील 24 आणि जिंकण्यासाठी 60 या धावसंख्येची मात्र आवश्यकता असणार आहे. जशी नेक्स्ट इनिंगला मात्र सुरुवात होईल त्याचपूर्वी आपण इन्व्हाइट करूया एका बाजूला प्रियदर्शिनी बेलापूर आणि उत्कर्ष दिवा. दोन्ही संघाचे कर्णधार जर उपस्थित असेल तर आपण टॉस करण्यासाठी तरी त्या प्रियदर्शिनी बेलापूर आणि उत्कर्ष दिवा जर आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण कुठलाही वेळ न घेता आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित यायचं आहे. नम्रतेची विनंती आणि इनिंग ब्रेक्समध्ये आपण टॉस देखील करणार आहोत प्रत्येक मॅचचा, त्यामुळे आपण त्वरित मात्र या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे. ही नम्रतेची विनंती असणार आहे. प्रियदर्शिनी बेलापूर आणि उत्कर्ष दिवा आपणास विनंती करीन की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस कबॉस या मंचावरती यायचंय. थोड्याच वेळात मॅचला सुरुवात होईल आणि जशी नेक्स्ट इनिंगला मात्र सुरुवात होईल तसे मात्र नेक्स्ट इनिंगमध्ये आपण ऐकणार आहोत मिस्टर आर जे म्हणजे रेडिओ जॉकी मिस्टर प्रदीप विचारे सर, त्यांच्याकडे मायक्रोफोन सोपवतोय आणि मी या ठिकाणी थांबतोय. धन्यवाद. हॅलो. ओम गण गणपते देवा नमो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुम देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते. ईश्वर अल्लाह गॉड हर किसी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ. यहाँ की ग्राम देवता मेरे कुल देवता मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे हुनर दी, अच्छी तालीम दी और आपके सामने खड़ा होने लायक काबिल बनाया, उनके भी चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ. अखंड महाराष्ट्र का आराध्य देवत, अपने पत्नी के लिए महल बनाने वाले तो कई सारे देखे इस दुनिया में, लेकिन अपने माता के खातिर स्वराज्य की स्थापना करने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश यादव जो कि मराठी में यहाँ पे आंखों देखा हाल आप तक पहुँचा रहे थे. दिविशा 11 वर्सेस रॉयल स्ट्राइकर, रॉयल स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था और आमंत्रित किया था दिविशा 11 ऐरोली को बल्लेबाजी के लिए. तो दिविशा 11 ने अपने निर्धारित 4 ओवरों में रन मुकम्मल किए हैं, 59 रन और 60 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम के सामने. स्वर्गीय लक्ष्मण काशीनाथ गपाट ट्रॉफी में 2024 में आप सभी का मैं एप्पल हॉस्पिटल और दिविशा 11 क्रिकेट टीम ऐरोली की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके प्रमुख आयोजक है आदरणीय धनोज लक्ष्मण गपाट सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एप्पल हॉस्पिटल के. इस
पूरे प्रतियोगिता में आदरणीय बंटी कामली सर और बिरजू भगत, इन दोनों एम्पायरों ने अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। क्रिक लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के जो श्रोता है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तेजस कोहली बंटी सर इशारा कर रहे खेल शुरू होने का, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां पे स्ट्राइक में है। विशाल नया और प्रारंभ करते हुए, ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े बाया हाथ के बल्लेबाज राजेश ने ऑनसाइड में खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से चकमा खा गए राजेश। बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे, विकेट कीपर गणेश कारंडे, क्या जबरदस्त ये क्रिकेट के खिलाड़ी दिविश इलेवन आयरोली का प्रतिनिधित्व करते हुए इस ओवर की अगली गेंद। इस बार ये छोटी गेंद थी और इस गेंद को फुल मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं छह रनों का। इस तरीके से देखिए किस तरीके से हरकत में आ गया, आपके टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हो, छोटी गेंद थी बैकफुट पे गए और शरीर का जो संतुलन था वो पूरी तरह से पिछले कदम पे लिया और गेंद को तान दिया था डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। और ये छह रन, क्या जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पे सजाया था राजेश ने, पहली गेंद बिंदी और उसके बाद यहाँ पे सिक्सर मारा है बल्लेबाज बाएं हाथ के राजेश ने। विशाल इस ओवर में तीसरी मर्तबा गेंदबाजी कर रहे दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद 22 का इशारा कर रहे बंटी कामली सर, घोषित क्षेत्र में गेंद गई है, एक रन की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 7 रन। रॉयल स्ट्राइकर का लक्ष्य है 60 रनों का, मंजिल है 60 रनों की और जीत है 60 रनों की। देखिए एक फ्लाई स्लिप के अलावा ऑफसाइड में एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है, एक मिड ऑफ बिल्कुल स्टंप के सेंध में, यह ऑफसाइड का क्षेत्र। ऑनसाइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग दायरे के अंदर मिड विकेट, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडिश। इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, बैक टू बॉलर खेला था, उनके कदमों ने लगने के बाद गेंद मिड ऑन रीजन में गई थी, वहाँ के क्षेत्ररक्षक ने जब तक गेंद को उठाया थ्रो किया तब तक एक रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 8 रन। मेरे बगल में बैठे हुए स्कोरर मंगेश देवकर बहुत अच्छी स्कोरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं, जगदीश उसी तरह से, सचिन मात्रे जी ने भी यहाँ पे स्कोरिंग की थी और ये लाल कैप वाले गोरे चिट्टे जिनका नाम है प्यारे, इन्होंने भी कल अपनी भूमिका यहाँ पे अदा की थी स्कोरिंग की। इस बार ये गेंद कवर्ड रीजन में खेला, मिस फील्डिंग हुई, गेंद चली जाएगी बाउंडलाइन के पार और ये 4 रन। बंटी कामले सर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का, खूबसूरती के साथ गेंद को फरखा जांचा और उसके बाद गेंद को पंच कर दिया था डीप कवर बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद और इस तरीके से 4 रन यहाँ पे प्रहलाद के बल्ले से आता हुआ ये चौका। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 12 रन। विशाल निश्चित रूप से थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, ये पावर प्ले का ओवर यहाँ पे फेंका जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज प्रहलाद पहली गेंद का सामना किया था। इस बार ये गेंद बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं वाइट का, इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में। बंटी कामली सर जिन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल की क्रिकेट खेली थी, मुंबई का प्रतिनिधित्व किया है, कई अरसे तक क्रिकेट खेली है, विनोद कामली सर के ये बंधु है, क्या जबरदस्त ये क्रिकेट के सितारे आज एम्पायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल की ये गेंद इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, बंटी कामली सर इशारा कर रहे, घोषित क्षेत्र में गेंद गई थी पहले स्लिप में, एक रन की वृद्धि हुई है, एक रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई, कुल स्कोर है 14 रन। जबकि ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर के समाप्त के बाद रॉयल स्ट्राइकर्स का कुल स्कोर है 14 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। लक्ष्य है 60 रनों का, मंजिल है 60 रनों की, जीत है 60 रनों की। काफ़ी अच्छी शुरुआत की है मैं तो कहूँगा यहाँ पे बल्लेबाज राजेश और प्रहलाद ने, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है।
बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी तरीके का कोई खौफ कोई डर नहीं है उनके जहन में, मन चाहे बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास करके बायां हाथ के राजेश और प्रहलाद, दाहिने हाथ के, दायां और बायां कॉम्बिनेशन जब भी मैदान के बीच में होता है तब तब गेंदबाजों का सिर दर्द होता है और क्षेत्ररक्षकों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नए और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज समीर 22 का इशारा कर रहे हैं। बंटी कामली सर, घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। समित, काफ़ी अच्छी गेंद, पहली गेंद थोड़ी सी कम गति की फेंकी हुई, पूरी तरह से चकमा खा गए यहाँ पे राजेश और विकेटकीपर भी चकमा खा गए विकेट के पीछे गणेश करंडे। एक रन की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 15। समित, इस बार ये हवा दी हुई गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद। बंटी कामली सर को लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है, उन्होंने घोषणा की है वाइड का। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में अपनी लाइन और दिशा प्राप्त करने में समित यहां पे थोड़े से असफल होते हुए दो चार कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। इस बार कम गति की गेंद थी, बैकफुट पे जाके गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला था, वहाँ के क्षेत्ररक्षक ने जब तक गेंद को रोका तब तक एक रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 17 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे। समित गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज प्रहलाद, 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रहलाद। अब पावर प्ले का ओवर खत्म हुआ है, क्षेत्ररक्षण काफ़ी फैला हुआ है। धान्या से राउंड द विकेट, इस बार गेंद को पुल मारा है मिड विकेट बाउंड्राइन के बाहर। बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं 6 रनों का, क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे सजाया था। इतनी खराब गेंद नहीं थी और मिड स्टंप पे गेंद थी लेकिन मौका ताड़ा और गेंद को यहाँ पे पुल कर दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्राइन के बाहर 6 रनों के लिए। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज प्रहलाद, अपने व्यक्तिगत 11 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर है 23 रन रॉयल स्ट्राइकर्स टीम का। गेंद बिल्कुल हमारा जो मेन डाइज है उसके ऊपर आके गिरी थी, आपके टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हो। देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक सजाया था बल्लेबाज प्रहलाद ने, बहुत ही उमदा बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज प्रहलाद, किसी तरीके का कोई अवसर नहीं गवा रहे रन मुकम्मल करने का। इस बार फिर एक बार समित किए गेंद, बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं 22 घोषित क्षेत्र का और इस तरीके से एक रन अतिरिक्त खाते में, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 24 रन। समित जिसके लिए जाने जाते वो यहां पे प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन ये वाइड का घोषणा कर रहे बंटी कामली सर, लगातार इस ओवर में वाइड गेंदे फेंकी है समित ने, 4 गेंदे वाइड फेंकी है, 2 गेंदे वाइड फेंकी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से अपनी लाइन और दिशा को प्राप्त करने में असफल हो रहे। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर ड्राइव किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद गई जहां पे एक रन दौड़ के अर्जित किया है। इस ओवर की ये अंतिम गेंद है, आखिरी गेंद, दूसरा ओवर प्रगति पे है। समित गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज राजेश, कुल स्कोर है 26 रन। रॉयल स्ट्राइकर्स बिल्कुल बेखौफ होके उनके ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज यहां पे रन मुकम्मल कर रहे हैं। समित धान्या से राउंड द विकेट, हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल मार दिया है डीप मिड विकेट रीजन में गेंद गई, वहां के क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की, अजीत ने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहां पे राजेश आउट होकर वापिस जा रहे पैवेलियन की तरफ। हालांकि महंगे समित निश्चित रूप से यहां पे रहे इस ओवर में लेकिन एक सफलता उन्होंने यहां पे प्राप्त की है। राजेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल उनकी आंखें जम चुकी थी गेंद के ऊपर, उन्होंने पुल मारा था यहां पे और डीप मिड विकेट के ऊपर के क्षेत्ररक्षक ने उनका कैच लपक लिया। इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है। बॉलर ले ले, सहा बॉल आठ
संग्राम जा रहे नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए 12 गेंदे और 34 रन चाहिए जीतने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स टीम को, और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहां पे जगदीश को तलब किया जा रहा है। जगदीश के सामने बल्लेबाज प्रहलाद, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है प्रहलाद ने। ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी और इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। यहाँ पे प्रहलाद को नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में। संग्राम कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, एक विकेट के पतन के बाद कुल स्कोर है 27 रन रॉयल स्ट्राइकर्स टीम का। राष्ट्रवादी दीवा कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष महेश बिरादर जी का यहां पे आगमन हुआ है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डेन केबल के टेक्नीशियन सुनील यहां पे विराजमान है, उनका भी मैं आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूं। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, 2 रनों का इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 29 रन। अब पहली बार यहाँ पे स्ट्राइक में जा रहे बल्लेबाज संग्राम, 2 रन का उन्होंने यहां पे इजाफा किया था। देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद का किस तरीके से सामना कर पाते हैं संग्राम। बहरहाल जगदीश इस बार गेंद आने का इंतजार किया और ये देखिए भाग्य उनके साथ नहीं था, वहां पे जो सीमेंट की विकेट बनी है उस विकेट से गेंद टकराने के बाद गेंदबाज जगदीश के हाथ में चली गई और उन्होंने रनआउट कर दिया यहाँ पे बल्लेबाज प्रहलाद को, और इस तरीके से एक अच्छे पारी का अंततः दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में अंत हुआ। और ये कभी भी नहीं चाहता है कोई भी बल्लेबाज जमा हुआ कि रनआउट के तौर पे उनके विकेट का पतन हो जाए, दुर्भाग्य यहाँ पे प्रहलाद के साथ था। प्रहलाद आउट हुए, 13 रनों का उन्होंने योगदान दिया अपनी टीम के लिए। प्रियदर्शनी बेलापुर और उत्कर्ष दीवा दोनों टीम के संघनायकों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आई है। प्रियदर्शनी बेलापुर और उत्कर्ष दीवा दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए प्लीज। दिलीप शंकर पवार जी का भी सम्मान, दिलीप शंकर पवार जी भी यहां पे विराजमान हुए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अनिकेत बोईटे यहां पे विराजमान है, उनका भी हार्दिक स्वागत। ये गेंद बिंदी गेंद कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज संग्राम की, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर गणेश करंडे ने किया। बड़ी जबरदस्त टीम है दोनों भी टीम, दिविशा 11 एरोली और रॉयल स्ट्राइकर्स एरोली, और दोनों के दरमियान कश्मकश। धान्या से ओवर द विकेट, इस बार ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, गेंद हवा में खड़ी हुई है, बाबू कामले उसके नीचे जा रहे हैं, और बाबू कामले ऊंचे लंबे कद के क्या डोले शोले बनाए बाबू कामले ने, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है बाबू कामले जी की, और मिडऑन रीजन में उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहाँ पे ये विकेट का पतन हुआ है, तीसरे विकेट का पतन हुआ है। संग्राम आउट होकर वापिस जा रहे हैं अपने डग आउट में, कुल स्कोर है रॉयल स्ट्राइकर्स का 29 रन 3 विकेटों के पतन के बाद। कुछ ही समय बाद यहां पे नवी मुंबई के क्रिकेट के महागुरु जिनको उपाधि दी थी एनएमपीएल ने, वो संतोष मात्रे सैंडी हमसे जुड़ेंगे। लोकेश यादव की आवाज़ आपने सुनी इससे पहले पारी में, ये गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गई थी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को उठाया, ओवर की समाप्ति हुई है। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 30, 6 गेंदे और 30 रन चाहिए। क्रिक लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हो। डेढ़ सौ लोग हमसे जुड़े हैं क्रिक लाइव के माध्यम से, हम उनके जो टेक्नीशियन है उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। मैदान में आए हुए सभी दर्शक, मंच पे विराजमान मेहमान, हार्दिक स्वागत करता हूँ।
अभी आए गेंदबाजी करने के लिए। वाइडिश मिड ऑन रिजर्व में बाबू कामले ने अपने कदमों से रोकने का प्रयास किया था, जिस तरीके से मेसी फुटबॉल खेलते उस अंदाज में, क्योंकि झुकने का इतना अवसर नहीं था, लेकिन दो रन दौड़ के अर्जित किए। 5 गेंदे और 28 रन चाहिए, 5 गेंदे और 28 रन चाहिए जीतने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स टीम को। अभी गेंदबाजी कर रहे लंबे चौड़े कदकाठी के ये युवा गेंदबाज, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इस बार गणेश कारंडे के हाथ से गेंद छूटी और उनके बगल में गिर गई और गणेश कारंडे बता रहे कि कोई भी रन नहीं है क्योंकि गेंद जहां पे घोषित क्षेत्र है वहां पे नहीं। सर इशारा कर रहे बंटी कामली सर, 22 का और 1 रन का कुल स्कोर है 33 रन। इस बार गेंद को हवा में खेला है, डीप कवर बाउंड लाइन के बाहर गेंद जा रही है एक बाउंस के बाद और यह 4 रन। बंटी कामली सर इशारा कर रहे 4 रनों का। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 37 रन। तीन गेंदे और 23 रन चाहिए रॉयल स्ट्राइकर्स टीम को जीतने के लिए। इस बार ये ओवर पिच गेंद थी और घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। बंटी कामली सर इशारा कर रहे 1 रन का। इस तरीके से अब 2 गेंदे शेष है और 2 गेंदों में 22 रन चाहिए रॉयल स्ट्राइकर्स को। फिर एक बार प्रियदर्शनी बेलापुर वर्सेस उत्कर्ष दिवा टॉस साठी या प्लीज। प्रियदर्शनी बेलापुर और उत्कर्ष दिवा दोनों टीम के संगठनों से गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए। इस बार ये गेंद काफ़ी तेज गति की गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद काफ़ी तेजी के साथ गणेश करंडे के हाथों में जाके गेंद समाई और इस तरीके से बिंदी गेंद। 1 गेंद और अब चाहिए 22 रन रॉयल स्ट्राइकर्स को। 1 गेंद और 22 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल मारा है और शॉर्ट मिड विकेट रीजन में स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक दौड़े थे, लेकिन 21 रनों से ये मुकाबला यहाँ पे दिविशा 11 ऐरोली के टीम ने जीता है। मैं उनका अभिनंदन यहाँ पे करना चाहूँगा। हारने वाली टीम को रॉयल स्ट्राइकर्स को यहाँ पे एक सम्मान चिन्ह प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रॉयल स्ट्राइकर्स, आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रियदर्शनी बेलापुर उत्कर्ष डिवा, प्रियदर्शनी बेलापुर और उत्कर्ष दिवा टॉस के लिए आइए प्लीज। और जैसे ही यहाँ पे खेल की शुरुआत होगी मेरे मराठी के साथी कमेंटेटर लोकेश यादव आपके साथ यहाँ पे मराठी में जुड़ेंगे। 4 ओवरों का मुकाबला हर मैच जो है ये 4 ओवरों का यहाँ पे खेला जाएगा। तो आइए लोकेश यादव। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार गणेश कारंडे को यहां पे प्रदान किया जाएगा। आइए गणेश कारंडे। तर विनंती असेल गणेश दादा, या आपण या स्पर्धेचे मॅन ऑफ द मॅच, या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच आपण ठरलात, तर शैलेश शेलार यांच्या वतीने तुम्हाला मॅन ऑफ द मॅचची एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेली ब्रँडेड जर्सी आणि त्याचप्रमाणे सामनावीरचं मेडल